देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। देखो, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर। देखो, इसी प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन होगा। दो कैसे? देखो, जैसे ये है एन सी एन माइनस आर, इसको देखो थ्री टाइम है ना, इसमें वन टाइम अलग करो और टू टाइम अलग करो, ठीक। इसमें भी देखो, इसको टू टाइम अलग करो और प्लस वन टाइम अलग करो और प्लस एन सी एन माइनस आर प्लस थ्री। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। तो इन दोनों को सम करेंगे तो एन प्लस वन सी एन माइनस आर प्लस वन, है ना। देखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन सी आर। देखो इन दोनों में टू कॉमन ले लें तो एन सी एन माइनस आर प्लस वन और एन सी एन माइनस आर प्लस टू, और ये हो गया एन सी एन माइनस आर प्लस टू और एन सी एन माइनस आर प्लस थ्री। देखो क्या हुआ, ये हो गया एन प्लस वन सी एन माइनस आर प्लस वन। देखो ध्यान दो, इसमें ये प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी। देखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, देखो एन प्लस वन और सी आर, ठीक है, एन माइनस आर प्लस टू, ठीक, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन सी आर। देखो इसमें फिर वही प्रॉपर्टी, एन सी आर और एन सी आर माइनस वन। देखो ये आर है और ये क्या है, आर माइनस वन। देखो इसमें से कम करेंगे तो ये आएगा। देखो जैसे ये आर है तो ये आर माइनस वन, इसमें से कम करोगे तो ये आएगा, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर, ठीक। देखो अब क्या हुआ, यहां पर ध्यान दो, जैसे ये है एन प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन और इसको टू टाइम है एन प्लस वन सी, वन टाइम लिखा, और एन प्लस वन सी एन माइनस आर प्लस टू और एन प्लस वन सी एन माइनस आर प्लस थ्री। देखो इन दोनों को फिर लिखें तो ये एन सी आर और एन सी आर माइनस वन। देखो ये आर माइनस वन, तो एन प्लस वन और सी आर। देखो फिर वही, ये एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, तो एन प्लस वन और सी आर, ठीक। अब देखो इन दोनों को फिर जोड़ दें तो फिर ये एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, देखो फिर से एन प्लस वन सी आर, ये आ गया, है ना। अब देखो ये सब इसके बराबर दिया गया, और हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखो ये आया, एन प्लस थ्री सी एन माइनस आर प्लस थ्री, ठीक है। देखो हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ा था कि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, इसी को लगाएं। देखो इसमें से इसे माइनस कर दें तो ये आर बच जाएगा, है ना, एन सी आर एन सी एन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ आर बचेगा। देखो ये आ गया, और ये किसके बराबर दिया गया है, एक्स सी आर के बराबर, देखो ये दिया गया है, है ना। लेफ्ट हैंड साइड देखो मेरी ये आई है, और गिवन किसके बराबर है, एक्स सी आर के बराबर गिवन है। इसका मतलब दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या हो गई, बोलो, n प्लस थ्री, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बोलो लेफ्ट हैंड साइड ये आई और ये दिया गया है एक्स सी आर के बराबर,
तो ये इसके बराबर है, ऐसा गिवन है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, n प्लस थ्री, यही बात हमको प्रूफ करनी है, ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।